ठीक है, मैं वेलकम बैक। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पॉपी प्लेटम चैप्टर 3 को कैसे हम लोग चीकी क्लाउड के थ्रू अपने एंड्रॉइड डिवाइस में खेल सकते हैं। वेल, मैं आप लोगों को दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप लोग पॉपी प्लेटम चैप्टर 3 खेल सकते हो। एक तरीका जो है पेड होने वाला है और दूसरा फ्री होने वाला है। मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताने वाला हूँ, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद पेड पॉपी प्लेटम चैप्टर 3। तो गाइज, चीकी में पॉपी प्लेटम चैप्टर 3 खरीदने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। तो चीकी में आप लोगों को पॉपी प्लेटम 1300 रुपए का मिल जाएगा। तो 1300 रुपए आप लोगों को गेम खरीदने के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को जो है स्टीम अकाउंट मिल जाएगा जिसमें जो गेम ऑलरेडी परचेस होगा, एंड वो जो स्टीम अकाउंट है आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्लाउड गेमिंग में, कहीं भी किसी भी पीसी में आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि वो जो अकाउंट है आपका खुद का होने वाला है और आप लोग चीकी क्लाउड गेमिंग ऐप में भी खेल सकोगे गेम खरीदने के बाद। उसके लिए आप लोगों को 1300 रुपए देना पड़ेगा। एंड देन जैसे आप लोग गेम खरीद लोगे उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा 200 कॉइन्स मिल जाएंगे जिन्हें आप लोग यूज कर सकते हो पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 या फिर कोई और भी गेम खेलने के लिए। अब गेम खरीदने के बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, गेम खेलने के लिए भाई आप लोगों को यहाँ पर 2 कॉइन्स पर मिनट देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई हम लोगों ने गेम खरीद लिया तो अब हम लोग अनलिमिटेड टाइम खेल सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर फिर भी गेम खरीदने के बाद खेलना है तो आपको 2 कॉइन्स पर मिनट देना ही पड़ेगा। तो गेम खरीदने के बाद आपके पास जितने कॉइन्स है उन हिसाब से भाई आप लोगों को गेम प्ले मिलेगा, उतना प्ले टाइम मिलेगा। और सेकंड थिंग ये है कि भाई आप लोगों के पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए अगर आप लोगों को गेम अच्छे से खेलना है, क्योंकि भाई यहाँ पर पिंग इशू बहुत होता है अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो, वरना तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया आपका पेड पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के बारे में। अब आते हैं कि भाई हम लोग गेम फ्री में कैसे खेल सकते हैं। पहले आपको पता होगा भाई चीकी वालों ने एक पार्टी प्ले वाला ऑप्शन दिया है जिसमें कोई भी एक पर्सन जो है गेम की स्ट्रीम करता है और जो भी भाई खेलना चाहता है उस स्ट्रीम को ज्वाइन होके गेम खेल सकता है। तो इसी तरीके से भाई हम लोग पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 को भी चीकी में खेल सकते हैं फ्री में। इसमें ऐसा होगा कि भाई जिसने पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 को चीकी में खरीदा है वो जो है गेम को स्ट्रीम करेगा उस पार्टी वाले ऑप्शन से। उसके बाद जो भी भाई गेम खेलना चाहता है वो जाके गेम खेल सकता है उस स्ट्रीम से। तो आप लोग भी भाई इस तरीके से पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 को खेल सकते हो। अगर आप लोगों की किस्मत रही तो आप लोगों को गेम खेलने भी मिल जाएगा, वरना भाई आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करके भी गेम खरीदना चाहो तो वो भी कर सकते हो। या फिर एक और ऑप्शन है कि भाई हम लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा किसी क्लाउड गेमिंग ऐप का जो कि इस गेम को हम लोगों के फ्री में खेलने के लिए अवेलेबल करा दे। वेल, यहाँ पर स्टार पार्क कुछ ऐसा हो सकता है स्टार पार्क में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई हम लोग गेम खेल नहीं सकते, कंट्रोल्स भी हार्ड है, ऊपर से भाई पिंग इशू बहुत है। तो गाइस, ये था कि कैसे हम लोग यहाँ पर पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 चीकी में कैसे खेल सकते हैं। पेड और फ्री दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के वीडियो को यही पे करते हैं एंड अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। That was your fault!